नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बेटियां किसे प्रिय नहीं होती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस घर में बेटियां नहीं होती, वो घर थोड़ा अधूरा सा लगता है। वहाँ की खुशियाँ थोड़ी सी अधूरी लगती हैं। वहाँ बहन नहीं होती, वहाँ बुआ नहीं होती, वहाँ मौसी नहीं होती, इन सब रिश्तों को वहाँ मिस किया जाता है। लेकिन जहाँ बेटियाँ होती हैं, वहां भी उनके कुछ अलग किस्म के दुख होते हैं। आज की कहानी कुछ इसी दुख के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी वीडियो दोस्तों देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि बेटी का घर में होना और ना होना क्या मायने रखता है। कहानी की ओर रुख करती हूँ मैं दोस्तों। ये खुशबू की कहानी है, जो अपने पापा से बेहद 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 नफरत करती है। मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ी भली खुशबू अपने जीवन में सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पापा से थी। पापा के लिए उसके मन में नफरत के अलावा और कुछ न था। 22 साल की हो चुकी थी खुशबू, लेकिन आज तक उसने वैलेंटाइन नहीं मनाया था, जबकि उसकी क्लासमेट्स हर साल अलग अलग बॉयज के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करती थी। गिफ्ट देना ये सब वैलेंटाइन डेज के दौरान उनका शुरू हो जाता था। खैर, आज खुशबू अज्ञेय के साथ शादी के वक्त सबसे ज्यादा खुश थी कि आखिर इस बेहद स्ट्रिक्ट, कड़क और डिसिप्लिन पापा से छुटकारा तो मिल जाएगा। ये ना करो, वो ना करो, ये कपड़े ना पहनो, ये मेकअप मत करो, लेट नाइट पार्टियां नो, लड़कों से दोस्ती नो। आज तक स्मार्टफोन तक खरीद के नहीं दिया था। सारे सपनों और अरमानों पे उनके नैरो माइंडेड सोच के कारण एक लेयर सी बन गई थी। उसके सारे अरमान जो है वो कुचल के रख दिए गए थे। अब मैं अज्ञेय के साथ सारी दबी हुई इच्छाओं को पूरी करूंगी। अज्ञेय और खुशबू पिछले 3 सालों से एक साथ पढ़ते थे और 3 सालों से एक ही क्लास में भी थे, एक दूसरे को समझते भी थे और एक दूसरे की पसंद को और नापसंद को भी देखते थे, उसका ख्याल रखते थे। खुशबू ने बहुत डरते डरते अपने पापा से अज्ञेय के साथ शादी के लिए इच्छा व्यक्त की। पापा ने भी अज्ञेय के परिवार वालों को देखा, टटोला और फिर उसके बाद शादी की हामी भर दी। खुशबू ने विदाई के समय पहली बार पापा को उसके साथ लिपट करके बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा। खुशबू को पापा के इमोशन से कोई मतलब नहीं था। वो पत्थर की बुत बनी रही, लेकिन जाते जाते पापा ने ढेरों जो गिफ्ट दिए थे उसमें एक बंद लिफाफा भी उसको दिया। ससुराल में पहुंचते ही सबसे पहले खुशबू ने वो लिफाफा जो उसके पापा ने दिया था उसको खोला, पढ़ना शुरू किया। खुशबू बेटा, मैं जानता हूं कि पिछले 10 सालों में मैं तुम्हारे साथ बैड डैड की तरह पेश आता रहा। मैं तुम्हारे सामने स्ट्रिक्ट इसलिए बनता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा भी हाल रागनी जैसा हो। रागनी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी। शरीफ थी, पढ़ने में तेज थी, लेकिन फैशन और नकली ग्लैमर के चलते उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उसने वो सब किया जिससे मैं तुम्हें रोकता रहा। फैशनेबल कपड़े, लड़कों से दोस्ती, लेट नाइट पार्टियां, वो सब करती थी और सोचती थी कि जब चरित्र अच्छा है, मैं अच्छी हूं, तो फिर क्या हर्ज है। लेकिन फिर एक दिन उसके ड्रिंक में, उसके नशे में कुछ दोस्तों ने ऐसी चीज मिला दी और उसके बाद इस घटना के बाद तो वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठी। और समाज के तानों और लोगों से बचने के लिए उसके पापा ने उसकी मम्मी और छोटी बहन के साथ मिलकर के सल्फास की गोलियां खा के सुसाइड कर लिया। खुशबू बेटा, आज से तुम दो परिवारों की इज्जत हो और मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे दोनों परिवारों की इज्जत पे कोई दाग आए। हो सके तो अपने बैड डैड को माफ कर देना। चिट्ठी पढ़ के खुशबू फूट फूट के रोने लगी। उसने तुरंत पापा को फोन लगाया और भराई हुई आवाज में पापा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपके गुस्से के पीछे के प्यार को नहीं समझ पाई। आपकी चिल्लाहट के पीछे की केयर को मैं नहीं देख पाई। आपकी झुंझलाहट के पीछे का जो एक समर्पण वाला प्यार था उसे मैं नहीं देख पाई। मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी। खैर, वक्त बीतता गया। खुशबू को ससुराल में लगभग 1 साल हो गया था आए हुए।
मगर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो अपने पापा को मिस ना करती हो, उन्हें याद ना करती हो। और आज उसके पापा का जन्मदिन था। सुबह वो मंदिर गई, पूजा की, पापा के लिए उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी, फिर शाम को केक लाकर उसने ससुराल वालों के साथ जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम किया। केक काटने से पहले उसने अपने पापा को वीडियो कॉल करके कनेक्ट किया और फिर मम्मी पापा को देखा, वो बड़े उदास बैठे हुए थे। खुशबू उन्हें देखते ही चहक कर बोली, हैप्पी बर्थडे पापा, यू आर माई स्वीट पापा। पता है पापा, यहाँ मैं आपकी डांट, आपके गुस्से को हर दिन मिस करती हूँ, और यहाँ सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली सासू माँ। और आपको पता है, एक दिन घर में मोहल्ले की औरतें सासू माँ को मिलने आई और कह रही थी कि कितनी अच्छी बहू मिली है, कपड़ों, बोली और व्यवहार में इतनी अच्छी बहू तुम्हें मिली है, इतनी शालीन बहू मिली है। ये सब इसके मम्मी पापा की ही विरासत में दिए हुए गुण है, संस्कार है। आजकल की लड़कियां तो इतने सारे संस्कार अपने साथ लेकर आती ही नहीं, उनके पास संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। आपके लिए ये सब सुनकर पापा मेरा फक्र से सिर ऊंचा हो गया। आज मुझे आप पे प्राउड है पापा। आप मम्मा को हमेशा बोलते थे ना, सारी दुनिया को तो जान नहीं सकते, बस अपना दामन बचा के रखना होगा। मैं जानती हूँ पापा, और मैंने महसूस भी किया है, मैंने इसको फील किया है। आजकल लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड बनाना, ड्रिंक्स करना, लिव इन रिलेशन में रहना और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनना, उल्टे सीधे फैशन के कपड़े पहनना, अपने एक सुरक्षा कवच बना करके नहीं रखती हैं वो, और इन्हीं सब में झूलती रहती हैं। लेकिन पापा, आपने मुझे इन सब बुराइयों से बचा के रखा। आपको पता है पापा, जब मैं यहाँ बीएड का एग्ज़ाम पास करके टीचर बनूंगी ना, तो बच्चों को यही सिखाऊंगी कि डैड के तेज गुस्से के पीछे का प्यार महसूस कर सको तो ज़रूर करना, अगर ऐसा ना कर सको तो फिर बाद में पछताओगे, और फिर पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर पापा के होंठ कांप रहे थे, वो बोल रहे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मुंह से अपनी खुशबू बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं निकल रही थी, खुश रहो, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र और खुशियां भी लग जाएं बेटा, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। दोस्तों, ये थी खुशबू की कहानी, और ये थी खुशबू के पापा की डांट के पीछे छुपे हुए प्यार की कहानी। अक्सर घरों में माता पिता अपने बच्चों को इसी तरीके से संभाल के, खासतौर पे बेटियों को बहुत संभाल के, बहुत प्यार से रखते हैं, ताकि कहीं कोई ऊंच नीच की बात ना हो जाए। बहुत सारे लोग मेरी इस बात को नापसंद भी कर रहे होंगे कि बेटियों को उड़ने देना चाहिए। अरे, बेटियों को उड़ने देना चाहिए, लेकिन खुशबू के पापा ने भी अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा ही चाहा ना। वो ये चाहते थे कि उसका हाल रागनी जैसा ना हो। रागनी जैसा हाल आजकल हर दूसरी लड़की का देखने और सुनने को मिलता है, अखबारों में सुर्खियां बनता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस पर अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क है, और केवल इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुँच जाए। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आप मेरी वीडियो फौरन से अपने पास प्राप्त कर सकेंगे। तो फिर मिलती हूँ किसी और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।